अच्छा पहला हमने इनको बताया है यूट्यूब चैनल बनाया है। यूट्यूब चैनल से ये होगा कि ये इनके पास बहुत नॉलेज है जो अहमद भाई हैं, सो वो अपना यूट्यूब चैनल बना के डालेंगे तो वो फेमस हो सकते हैं कभी ना कभी अल्लाह ताला। अब ये पानी निकाल लें कुएं में से, सो इसमें हम हेल्थ एंड हाइजीन का इनको बताएंगे। आए अच्छा जी, इसमें और भी ज्यादा है, दो मटकों तक पानी भी है, ठीक है। मगर बात ये है कि इसको खींचने वाले बंदे ना वो औरतें होती है 4 से 5 जो एक रोली एक एक मटके, और मर्द कितने होते हैं? बल 3 से 4 इसको खींचेंगे, ठीक है। उसमें 5 किलो का रस्सा है, 5 से 6 किलो का रस्सा है। चलें चलें चलें, ठीक है। टोटल इसका जो वजन हो जाएगा आप मेरे अंदाजे से 30 से 35 किलो वजन हो जाएगा। सही सही। अच्छा जी, ये आपकी चरखी हुई है, इसमें बेरिंग लगे हुए हैं, डाले डाले, ठीक है। उसमें ये लगा हुआ है सरिया, ये चलती है बेरिंग पर। अच्छा, इसमें गद्दे भी खींच के जाते हैं, बंदे भी खींच के जाते हैं। अच्छा भाई, ये आपकी डोली और रस्सा नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल कुएं की तरफ, बिल्कुल कुएं की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा इसको 2 साल फिर बनाना है। हेलो हेलो हेलो, भाई उधर हेलो हेलो हेलो। ये अब आ रहा है, नीचे नीचे वीडियो बनाओ, नीचे वीडियो बनाओ, नीचे ये आ रहे हैं, आ रहा है। बच्चों की मेहनत रंग ले, पानी बाद में पानी निकालते हैं बच्चों के लिए ना, जैसे हम सबके लिए हमारे लिए करना है, और एक दो ना हमारे साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। हाथ धोना कैसे, ये देखो ये पानी आपने लिया पहले ऐसे, इसको आपने पहले यहाँ पर ऐसे से धोया, ठीक है। ये आप हथेली साहब की, फिर पानी लिया आपने, ओ भाई ये साबुन है, आपने ऐसे किया, नहीं पानी है, पानी से आपने किया उसको, फिर ऐसे लेने के बाद फिर आपने ये फिंगर्स को ऐसे 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 करके, तो अंदर जो गंद होगा ना बीच में वो निकल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे साफ करने के, ऐसे ऐसे करने, फिर उसके बाद लेके फिर ऐसे किया आपने, ये ऐसे ऐसे करके सारा ये गंद निकल जाएगा, धूल जो लगा हुआ हाथ में से आया ना सब निकल जाएगा। उसके बाद आपने फिर लेके और फिर यहाँ तक पूरी अच्छी तरह हाथ धोने, ठीक है। ये हाथ धोने का तरीका आप किसने सीखा है? आज आओ करो, वही कर रहा, अब दोबारा लो, अब पीछे से करो, हाँ अब पीछे से हाथ धो, पीछे से, हाँ पीछे से, शाबाश, ऐसे ऐसे करके, सही है। अब दोबारा और पानी लो, अब ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे दूसरा हाथ ऐसे करो, दूसरा हाथ ऐसे करो, हुआ तो ऐसे कराएं, शाबाश, पानी का तो ऐसे ऐसे करो, और लो पानी, फिंगर ऐसे फिंगर ऐसे ऐसे करके, शाबाश, दोबारा और लो, और फिर दोबारा आपस में पूरा करो, ये ऐसे करके हाथ धोने का तरीका है। ये ऐसे करोगे हाथ बहुत अच्छे साफ होंगे, जब आपके हाथ साफ होंगे ना तो फिर जब खाना खाओगे तो भी अच्छे तरीके से आएगा। अब हाथ ऐसे धोने, नहीं है तो नेटवर्क के लिए बंदा वहाँ पर ऊपर चढ़ के जाता है यार, आ गया वो बैठा ऊपर, वो बैठा भाई, वो यूज कर रहा है फेसबुक, वो फेसबुक यूज करने के लिए इतना ऊपर चढ़ के जाता है। साधु सही है ना यार, मजे की हवा हवा खाता होगा वहाँ पे, सारे गांव नहीं है यहाँ पे, देखो यार ये यहाँ पर जो है ना फेसबुक भाई, ये जबरदस्ती मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं, और जबरदस्ती मुझे अभी ऊपर, अब जबरदस्ती मुझे ऊपर लेके जाएंगे, मुझे नेट चलाना पड़ेगा, और लेकिन वो पहाड़ के ऊपर जाना है, मुझे जाने का ज़रा दिल नहीं है, लेकिन भाई लेके जा रहे हैं, भाई की मोहब्बत में मैं जा रहा है। अहमद भाई आप यूट्यूब चैनल जरूर बनाएंगे, ठीक है। यूट्यूब मैं यूट्यूब हूँ, मैं खुद यूट्यूब हूँ। आप आए हो कराची से, पहले दफा आए हो थर में? तीसरी तीसरी दफा, तीसरी दफा, हाँ। वो नगर देखा है? नगर देखा है। वो ना डायरेक्ट ऊपर चल रहे बाजू से, नहीं नहीं ओए हम बहुत नीचे से ऊपर आ गए बेटा। माउंटेन एक चढ़ के ऊपर आए हम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के लिए, सो इससे पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
लड़कों की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, अब जो है वो लड़कियों की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कपड़ों की, तो आपको वो भी बताते हैं। ये जो आर्टिकल है ना, ये दो शॉपिंग से गए थे अदनान भाई और दानिश भाई, ये इनकी पसंद के इतने जबरदस्त आर्टिकल हैं और ये कराची के तक ब्रांड जो है ना जहाँ से उन्होंने हमारे से लिए। ये भी देखिए बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल है और ये भी है, तो मैं अपनी टीम की तरफ से अदनान भाई का और दानिश भाई के दोनों को शुक्रिया करता हूँ कि बॉयज से ज्यादा अच्छे फीमेल के लेकर आए। बताऊं यहाँ पर जितनी हमने बच्चियां देखी है ना, सबके सर पे दुपट्टा है माशाल्लाह। ये सबकी बात, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, सबके सर पे दुपट्टा है। और देखें यहाँ भी आके प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं और शहर में हमारी जो खवातीन है बगैर दुपट्टे भाई, ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई क्या करो अली भाई, सर जान ने जो है सामान दिया था, शूज वगैरह पर्स वगैरह थी जिनके घर में हम ये कर रहे थे, जो पेट पट्टी वहाँ किया था उनका क्लीन करके जाए क्योंकि जबरदस्त 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 शाबाश शाबाश थैंक यू। इससे ज्यादा मजा नहीं आ सकता यार, आया संजी को इससे ज्यादा मजा नहीं आ सकता। खिदमत भी हो गई, बच्चे खुश भी हो गए, बच्चे खुश भी हो गए, बच्चों की स्माइल भी आ गई और उनको सारे गिफ्ट भाई बेटे खुश हो गए, इनको ईदी भी दी, ईदी भी दी और बारिश ने तो हमारा चार जान। और ये साहब जो है बहुत लकी है, इनको तीन बार बारिश मिली, तीन बार विजिट, गर्मी भी मिली, तीन बार बारिश मिली और उनको लग के भाई इनकी। और अभी जहाँ बैठे हैं हम टीले के नीचे, ये हमारा जो है ना जबरदस्त था और इसके अंदर बहुत अच्छी, और एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर, इतनी तेज बारिश हुई इसके अंदर एक बूंद नहीं है, अंदर अंदर हम बैठे हमने लंच किया बड़े जबरदस्त। मैसेज कर रहा है फोटो अल्लाह ताला का हुक्म है, ये हजार खराड मुही खैरात गए बगलो गांड तो गाखल आयो जने मारी मौत नबी घणू घुमे कहड़ी मुसाजल दुनिया वहंदो पानी चार दिहाड़ा चल फुल छले नौश नादान जो तू बंदान थी बेकल। कोऑर्डिनेट हो गया कि सुबह 8:30 बजे से 8:30 बजे के बाद से मिट्टी है मिट्टी में ही हमारा वेट कर रहे थे, हमें आने में लेट हुआ, उसके लिए पहले आपसे माजरत, हम लेट हुए काफ़ी, नाश्ता नहीं किया रुके। और उसके बाद जो रमज़ान साहब ने हमारा गांव में पूरा कोऑर्डिनेशन कराया और फिर आगे भी गए हम सारी, इनकी टीम अहमद भाई और ये सब ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, तो रमज़ान भाई आपके लिए बहुत शुक्रिया, और हैदराबाद से जो कासिम भाई हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अच्छे लोगों से कोऑर्डिनेट कराया और हम अच्छे लोगों से मिले और हमारा पूरा दिन, हमने किसी एक्टिविटी में पूरा दिन कभी एक्सपेंड नहीं किया, हम जाते हैं 1 से 2 घंटे करके आए, लेकिन आप लोगों से इतना जबरदस्त मजा आया, ओवरऑल बहुत लाइक फैमिली, और हम फिर दोबारा आपके पास आएंगे और इसी तरह एंजॉय करके पूरा दिन जाएंगे। तो आपका और कासिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। फाइनली जो है वो हम एक गेस्ट हाउस में आ गए और हमारे दोस्त दानिश ने ये गेस्ट हाउस अरेंज करवाया है हमारे लिए, दो अच्छे खासे एसी वाले रूम हैं, खाना पीना फ्री है, सुबह का नाश्ता फ्री है, सो स्पेशल थैंक्स। और यही चीज़ होती है, एक टीम वर्क होता है,
कि एक बंदे ने ये अरेंज कर दिया, एक बंदे ने ये फ्यूल अरेंज कर दिया, एक बंदे ने ये अरेंज कर दिया, मिल बांट के जो है वो हम लोगों ने ये एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसको कंपाइल किया। बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह डिसेमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया, इंस्टेड ऑफ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और बाकी सारी चीज़ें, बच्चे कितना खुश हुए वो कपड़े देख के उनके यहाँ जो स्माइल थी, इसके अलावा फूड एंड बहुत सारी चीज़ें सब। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो नॉलेज डिसेमिनेट की और जो उनको बताया कि हमें उनको मतलब क्या करना चाहिए, उनसे नंबर लिया हमने, उनको थोड़ा गाइड किया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह बताएंगे कि क्या है। लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टूर ऑफ माय लाइफ। और बस वो बच्चों की हंसी, फिर इसके अलावा वो जो टीला बना हुआ था पीछे, और इसके अलावा जो है तेज़ बारिश का आना। अल्हम्दुलिल्लाह तीन टाइम में आया और तीनों दफ़ों में तेज़ बारिश हुई है। सो थर्ड वालों के लिए मैं लकी हूँ, या मेरे लिए थर्ड लकी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दूसरे मेंबर्स थे, फीमेल मेंबर्स, उनका बड़ा दिल था आने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस और बहुत दूर है सो उनको मना करना पड़ा हमें। लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ थी, कंटिन्यू वो फ़ोन कर रहे थे, हमारे फ़ोन्स जो है वो बेसिकली क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं थे। सो सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छे नीयत से थे तो अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें करवा दी। अब हम यहाँ पे गेस्ट हाउस में हैं और यहाँ पे हम आराम करेंगे, फिर थोड़ा सा गिट्टी बिट में ऊपर जाएंगे, फिर इसलिए फिर वहाँ से हमारा प्लान ये है कि जाते जाते रास्ते में कींजर है तो वहाँ जाएँ, वहाँ एक दो घंटे स्पेंड करें, वहाँ पर अभी गेस्ट हाउस की बात चल रही है, और फिर घर ओके हैं और फिर हमें एक दिन का रेस्ट मिलेगा, हमें रेस्ट करके अपने अपने काम पर वापसी लग जाएंगे। सो इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि हम सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, हम सब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम सब खुद आएँ, अपने हाथों से दें और अपने हाथों से फील करें, अपने 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 अंदर दिल से फील करें। सो इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। सिंध में आए और ये जो है थादल नहीं पिए ना तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इंटीरियर सिंध का। सो हमारे दोस्त भी पी रहे हैं, ये सारे हमारे दोस्त सर चाले का ले, एक भाई दादू का है वो नहीं पी रहे। हाँ दादू की पसंद ही अलग है।
बाकी जो है इसके अलावा जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो सुकून देता है वो कोई नहीं दे सकता। अभी क्या है, मैं डूब रहा हूँ लेकिन अभी डूबा।